कॉमन मिसकंसेप्शन है, लोग जो आमतौर पे कहते हैं, हम पेशेंट भी देखते हैं, मरीज भी कहते हैं कि गैस दिमाग को चढ़ जाती है, गैस दिल के अंदर चली जाती है, गैस गुर्दों में चली जाती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, गैस कहीं नहीं जाती है। For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. मेरा नाम डॉक्टर मेहरीन जमान नियाजी है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, यानी कि माहिर अमराज मैदा और जिगर। आज हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, मैदे में बदहजमी हो जाना, जलन और गैस की शिकायत। पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, कि किन किन वजूहात की वजह से ये प्रॉब्लम देखने में आती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज या मोस्ट कॉमन कॉज ये है कि आपकी खुराक में मिर्चों का इस्तेमाल, स्पाइसेस का इस्तेमाल या ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल, इसकी वजह से मैदे में एसिडिटी, बदहजमी और गैस की शिकायत हो जाती है। बाहर से खाना पीना, फास्ट फूड, जंक फूड, सेवन अप, पेप्सी, फिजी ड्रिंक्स के इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ पेन किलर्स हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। मिसाल के तौर पर ब्रूफन, पॉन्स्टॉन, डिस्प्रिन और इस तरह के पेन किलर्स, इससे भी मैदे में बदहजमी और गैस की शिकायत हो जाती है। कुछ इन्फेक्शंस भी हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्शन देखा जाता है वो उसे एच पायलोरी इन्फेक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से मैदे में अल्सर बन जाते हैं और छोटी आंत में अल्सर बनते हैं और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आती है। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल के इस्तेमाल से भी मैदे में बदहजमी और जलन की शिकायत हो जाती है। इसके बाद आम तौर पे पेशेंट के हिस्ट्री के साथ ही, यानी अलामात के साथ ही, हम इस चीज़ को एसिडिटी की बीमारी की का डायग्नोसिस हम कर लेते हैं। बट कुछ टेस्ट भी होते हैं जिसके साथ ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को अल्सर या एसिडिटी की तकलीफ है या नहीं। इसमें कुछ खून के टेस्ट हैं, कुछ स्टूल के टेस्ट हैं जिसमें हम देखते हैं कि मरीज़ को एच पायलोरी इन्फेक्शन है या नहीं, और कुछ एक और उसके बाद एक कैमरे का टेस्ट, इसे एंडोस्कोपी कहते हैं, उसके साथ भी खुराकी नाली का, मैदे का और छोटी आंत का मुआयना किया जाता है। और कोई अगर कोई प्रॉब्लम है मैदे में, अल्सर वगैरह या कोई और इशू, तो वो भी देखा जा सकता है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, लोग जो आमतौर पे कहते हैं, हम पेशेंट भी देखते हैं, मरीज भी कहते हैं कि गैस दिमाग को चढ़ जाती है, गैस दिल के अंदर चली जाती है, गैस गुर्दों में चली जाती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, गैस कहीं नहीं जाती है। गैस की वजह से शायद हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तो हमें लगता है कि सर में दर्द है या एक बेचैनी की कैफियत होती है, लेकिन गैस कहीं नहीं जाती है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो कि लोगों में है कि गैस कहीं चली जाती है। अब इसका इलाज क्या किया जाए? दवाइयाँ तो इसका इलाज है ही है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपको अपना लाइफस्टाइल, खाने पीने का और रहने का अंदाज चेंज करना होता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़रूरी चीज़ ये है कि मिर्चों का और ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल आपको बहुत कम करना होगा। बाहर से खाना पीना, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब चीज़ें आपको छोड़नी होंगी। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उसका इस्तेमाल छोड़ना होगा, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना। पेन किलर्स बहुत ज़रूरत हो तो खाएं, वरना एक जिन मरीज़ों को मैदे का बदहजमी का मसला होता है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर पेन किलर और एंटीबायोटिक्स ना इस्तेमाल करें। गैस होने की एक वजह ये भी है कि पानी का इस्तेमाल ठीक नहीं किया जाता और फाइबर का इस्तेमाल नहीं होता। फाइबर किस चीज़ में होता है? फाइबर फलों में है, सब्जियों में है, रोटी में है। सो फाइबर का इस्तेमाल अच्छा रखें, पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें, तो ये गैस का मसला नहीं होगा। अगर आपको बदहजमी की या गैस की या मैदे की कोई भी शिकायत है तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। और कोई भी स्टमक का इशू, मैदे का, बदहजमी का, जलन का, गैस का इशू है तो वो आप मेरे से मरहम के थ्रू, ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू भी कंसर्न कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।